तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, यहां पर जो फाइनली से पोर्टुगल प्रो या फिर बिग एवोल्यूशन प्रो जो कि कल होने वाला है, तो गाइस उससे रिलेटेड जो है मैन फिजिक कैटेगरी की जो है मैं प्रेडिक्शन वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो गाइस चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस अगर यहां पर जो मैं फिफ्थ नंबर के एथलीट की बात करूं, तो मेरे हिसाब से जो फिफ्थ नंबर की प्लेसिंग मिलेगी वो है फैबियो गैमाकोट। गाइस इनकी जो है फिजिक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और काफ़ी जो है कंसिस्टेंट एथलीट है। गाइस इन्होंने यहाँ पर जो है दो प्रो शोज़ खेली हैं, एक तो यहाँ पर जो है इन्होंने शेरू क्लासिक इटली को खेल लिया है और दूसरा यहाँ पर जो है इम्प्रो क्लासिक। गाइस यहाँ पर जो आप इनकी फिजिक को देख सकते हैं, दोनों शोज़ में जो है काफ़ी बेहतरीन फिजिक को ये लेकर आए थे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड और यहाँ पर जो है राउंड मसल्स को ये लेकर आते हैं। इनकी बैक भी जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। गाइस ज़्यादातर एथलीट जो है मैन फिजिक कैटेगरी में जो है प्लेसिंग्स को इसलिए हारते हैं क्योंकि उनकी जो है बैक उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हमारे मनोज पाटिल और यहाँ पर जो आईएफबीवी प्रोस हैं, फ्रंट से तो काफ़ी बेहतरीन थे, पर लेकिन अगर वहीं उनकी बैक की बात करें तो उनकी जो है बैक उतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं आ पा रही थी। तो गाइस मेरे हिसाब से जो फिफ्थ नंबर की प्लेसिंग रहेगी वो रहेगी फैबियो गैमाकोट की। तो गाइस अगर मैं फोर्थ नंबर की प्लेसिंग की बात करूं, तो मेरे हिसाब से फोर्थ नंबर की प्लेसिंग रहेगी एल्टोन पिंटो की। गाइस यहां पर जो आप उनकी फिजिक को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है राउंड मसल्स को लेकर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड लुक लेकर आते हैं अपनी बॉडी में। गाइस ये आंद्रे द्यू के जो है बेस्ट फ्रेंड भी हैं, इनकी जो है फिजिक भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। फिलहाल इन्होंने जो है बस एक ही प्रो शो खेला और वो है इम्प्रो क्लासिक 2022। अब गाइस ये जो है इस बार फिर से खेलने आ रहे हैं पोर्तुगल प्रो या फिर बिग एवोल्यूशन प्रो में। गाइस देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो कैसी फिजिक को लेकर आते हैं। गाइस अगर हम इनके ट्रंक नंबर की बात करें तो इनका जो ट्रंक नंबर है वो है 60। तो गाइस अगर मैं थर्ड नंबर के एथलीट की बात करूं जो कि मेरे हिसाब से जो थर्ड प्लेसिंग पर रहेगा, तो वो है लियोनार्ड। गाइस यहां पर जो आप लियोनार्ड की जो है करंट फिजिक को देख सकते हैं, इन्होंने जो है पिछले शो में जो है काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस और काफ़ी बेहतरीन लुक लेकर आए थे, जिसके कारण इन्होंने वहाँ पर जो है फिफ्थ प्लेसिंग को हासिल किया था। मुझे लगता है कि ये इस शो में जो है थर्ड प्लेसिंग को हासिल कर लेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ प्लेसिंग वाले जो एथलीट थे वो इस शो में जो है कम्पीट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो है इन लियोनार्ड जो है आसानी से यहाँ पर जो है थर्ड नंबर की प्लेसिंग को हासिल कर लेंगे। तो गाइस अगर हम सेकंड नंबर के एथलीट की बात करें, तो मेरे हिसाब से जो सेकंड नंबर पर एथलीट रहेगा वो है फुरकेनर। इनकी जो आप करंट फिजिक को भी देख सकते हैं, इन्होंने जो है लगातार दो प्रो शोज़ को जो है खेल लिया। शेरू क्लासिक इटली में तो इनकी जो है थर्ड प्लेसिंग लगी थी और इम्प्रो क्लासिक में इन्होंने यहाँ पर जो है सेकंड प्लेसिंग को हासिल कर लिया था। गाइस इनकी जो है फिजिक में काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिकनेस और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इनकी फिजिक में जो है राउंडनेस काफ़ी बेहतरीन आती है। गाइस इनकी जो है बैक भी जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, पर लेकिन अभी देखते हैं कि कैसी फिजिक को ये लेकर आते हैं मिस्टर बिग एवोल्यूशन प्रो में। तो गाइस अगर हम फर्स्ट नंबर के एथलीट की बात करें, तो फर्स्ट नंबर पर मैं रखूंगा अली बिलाल को। गाइस यहां पर जो आप अली बिलाल की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और हार्ड लुक लेकर आ रहे हैं। लगातार उन्होंने यहां पर जो है दो प्रो शोज़ को जीत लिया और मेरे हिसाब से तो यहां पर जो हैट्रिक लगा देंगे वो इस शो को भी जीत कर। गाइस उन्होंने तो मुंबई प्रो शो के लिए भी जो है अनाउंसमेंट कर दिया कि वो वहाँ पर भी जो है खेलने के लिए आ रहे हैं, पर लेकिन गाइस अगर हम वहीं अभी जो है होने वाले पोर्तुगल प्रो की बात करें, तो गाइस यहां पर जो है पोर्तुगल प्रो में भी गाइस मुझे लगता है कि यहां पर जो है अली बिलाल आसानी से जीत जाएंगे। इनकी फ्रंट से फिजिक जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, और अगर हम वहीं इनकी जो है बैक की बात करें तो इनकी जो है बैक भी जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। गाइस हमने देखा होगा कि हमारे इंडियन एथलीट तो जो हैं इनके सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो गाइस इनका जो ट्रंक नंबर है वो 50। गाइस मेरे हिसाब से जो है अली बिलाल इस प्रो शो को भी जो आसानी से जीत जाएंगे। तो गाइस क्या आपको लगता है कि अली बिलाल इस प्रो शो को भी जीतकर जो है हैट्रिक को लगाएंगे या नहीं, आप सभी जो है मुझे कमेंट में बताएं। तो गाइस मेरे हिसाब से ये टॉप 5 एथलीट थे जो कि मिस्टर बिग एवोल्यूशन प्रो में जो है टॉप 5 में प्लेसिंग करेंगे मैन फिजिक कैटेगरी में। तो गाइस आपके हिसाब से जो है और भी प्रेडिक्शन हो सकते हैं। तो गाइस अगर आप ऐसी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।